हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके न्यूमेरिकल। बेसिकली मैंने आपको पीछे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन कराई थी, उसका सॉल्यूशन कराया था, उसके बाद आपको उसकी प्रॉपर्टीज कराई थी। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए आपको प्रीरिक्विजिट्स यही है कि आपको वो बेस पूरा आना चाहिए और जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको लर्न होनी चाहिए ढंग से, तभी आप कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ ये जो पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स अगर मैं कहूँ तो 20 से 30 न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बैंक इसका अलग रहता है, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। कोई सा भी पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर उठा के कोई सा भी एग्जाम दे लूं, इनके अलावा इस टॉपिक से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा इसमें, नेक्स्ट पार्ट में आगे आगे मैं आपको कराऊंगा, कोशिश करूंगा जितना आपको कवर करा सकूं कर दूं, वरना ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब है क्या, ये जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको बस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप एक रात पहले इसको कर पाए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक रात पहले आप सारे क्वेश्चनों को कर लें। तो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह से करना है, और उसके बाद आप हो सके तो हिट एंड ट्रायल से एग्जाम में कर दीजिएगा। अगर आप पहले ही वीडियो देख रहे हैं तो ये सब करिए और पक्का आपका क्वेश्चन आएगा और आपके मार्क्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं। आई एम गिवन दिस न्यूमेरिकल एक्सप्रेस बेसल फंक्शन 3/2, -3/2, 5/2, -5/2। ऑर्डर है ये दे रखा है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अब ये मुझे करना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इसीलिए मैंने सबसे पहले लिया है। ये आ जाता है सेशनल में, आ जाएगा बाहर आपके एंड टर्म में आ जाएगा। इसको करने के लिए आपको क्या है, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस के टर्म्स में मुझे एक्सपेंड करना है। सबसे पहले मैंने आपको हाफ ऑर्डर पढ़ाया था, उसका फॉर्मूला मैं लूंगा। हाफ ऑर्डर का जो मेरा फॉर्मूला था दैट वाज साइन एक्स ये हाफ ऑर्डर का फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। अब मैंने ये ले लिया। अब मुझे क्या है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं 3/2 ऑर्डर के लिए, बेसल फंक्शन के लिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एक रिलेशन जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने आपको पढ़ाई थी, लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि इट गोज लाइक दिस, 2n बाय एक्स इज इक्वल टू जे एन इज इक्वल टू जे एन माइनस 1 प्लस एन प्लस 1। अब इसमें अगर देखूंगा तो मैं अगर यहां पर n में, मेरा बेसिकली मोटिव क्या है, इसमें अगर n को मैं पुट कर दूंगा 1/2, तो आप देखेंगे तो मेरे पास यहां पर 3/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2, और यहां पर -1/2 जिसकी वैल्यू मुझे यहां पे पता है। तो मैं ऐसे ऐसे करके सारी चीजें निकालने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1/2 डाल के देख लेते हैं ताकि ये वैल्यू आप आ जाए। अब यहां पर अगर देखूंगा तो 2 1/2 बाय एक्स, तो ये कैंसल आउट हो गया, इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से सीधा। जे एन 1/2 मैंने कर दिया है, अगेन जे एन 1/2 माइनस 1 प्लस जे 1/2 प्लस 1, इसको अगर देखूं तो जे -1/2 जे 3/2 ये बन गया। अब यहां पर देखूं तो ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू भी मुझे पता है, तो मैं ये वैल्यू बड़े इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। सो जे इज इक्वल टू 1/x अब इसको देखता हूं 1/x। अगर इन दोनों को देखूं तो इधर ये मेरा कॉमन है, इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं 2/x, यहां पर 1/x है, साथ में साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये आया, n को 1/2 रखने से मेरा रिजल्ट आया, ये आ गया। अब अगर सिमिलरली n को मैं
नेगेटिव 1/2 कर दूंगा, तो मेरा इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट भी आप निकाल लेंगे खुद से, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। यहां पर आपका अगर देखेंगे तो सिर्फ नेगेटिव, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूं और सीधा यहां पर पहुंचूंगा मैं। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, इसका आप करके देख सकते हैं। बस एन को आपको -1/2 पुट करना है इसमें। अब क्या है, मुझे क्या चाहिए, अब यहां पर 5/2 चाहिए, तो उसके लिए कैसे करना है वो देख। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट बेसल फंक्शन ऑफ 5/2 ऑर्डर। अब इसको मुझे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एन को अगर मैं 3/2 पुट कर दूं, तो देखिए आप J3/2 उसकी वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है। यहां पर J आ जाएगा मेरा हाफ, जो कि वैल्यू मुझे पता है यहां पर, और ये मेरा आ जाएगा 3/2 + 1 5/2। तो इस तरह से मैं निकालूंगा। अगर सीधा सिर्फ ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज पहले ही निकालनी पड़ेगी, फिर ही आप ये निकाल पाओगे। तो अब थ्री बाय टू को 2/2 काट सकता हूं, 3/x सीधा लिख देता हूं। -1 इज 1/2, 3/2 + 1 इज 5/2। होप आई एम क्लियर है। अब इसको ये 3/2 है। अब इसको देखिए आप, यहां पर अगेन जो मेरे रिजल्ट्स थे, ये चीज तो बाहर कॉमन ही रखी रहेगी, और 3/x, और ये जो वैल्यू मैंने पहले आपको, आप वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं, जो वैल्यू मैंने निकाली थी दैट वाज sin x/x cos x, और माइनस कर दूंगा 1/2, 1/2 पे साइन एक्स है। इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा, इसको करेंगे अगर सॉल्व तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, पाई एक्स। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर से, और इधर से साइन को अलग ले लिया और ये कर दिया, मेरा आंसर आ गया। सो ये मेरा आ गया 5/2। इसी को मैंने, अगर एन मैंने रख लिया होता यहां पर -3/2, तो सिमिलरली मेरा -5/2 के लिए भी रिजल्ट निकल जाता। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, अगर यहां पर आएगा तो आपको डायरेक्ट इसी तरह करना है। अभी एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस J5 इन टर्म्स ऑफ J1 एंड J2, मतलब बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 5 को लोअर ऑर्डर में मेरे को एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, ये जो आपका सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन आया था वो यूज करेंगे। मैं आपको तरीका बताता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आप इसमें, अगर मैं देखूं तो मेरे को नीचे जाना है, मतलब J1 और J2 लोअर ऑर्डर में हायर ऑर्डर को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले अगर n=4 डालूं तो यहां पर आ जाएगा (4 - 1) 3 और (4 + 1) 5। तो आई कैन से दिस दैट J5 इज इक्वल टू 8/x J3, ये लेट से 1 हो गई। अब इसी तरह n को 3 डालूंगा, n को 2 डालूंगा। सो नाउ n इज इक्वल टू 3 डाला तो मेरे पास J4 आ गया J3 J2, और n इज इक्वल टू 2 डाला तो J3 आ गया ये। अब मैं देखूंगा मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई हैं। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स यूज करूंगा, तो अगर मैं इक्वेशन
फोर को, लेट्स से इक्वेशन टू को, जे फोर को पहले इसमें पुट कर लेता हूं, तो जे फाइव इक्वेशन टू इन वन, लेट्स से, तो जे फाइव वुड बी इक्वल टू 8 बाय एक्स, जे फोर की वैल्यू है 6 बाय एक्स, जे थ्री माइनस जे टू माइनस में जे थ्री, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई किया इसको, जैसे 48 बाय एक्स स्क्वायर जे थ्री इस तरह से आ गया। अब लेट से ये मैं इसको बोल देता हूं दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। अब यहां पर आप देखेंगे जे फाइव रिड्यूस हो चुका है जे थ्री और जे टू में। अब जे थ्री भी मेरे पास वैल्यू है जे टू और जे वन में, तो अगर वो मैं पुट कर दूं तो पूरा जे फाइव रिड्यूस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ जे वन एंड जे टू। वही मैं करने वाला हूं, तो मैं करूंगा पुट थ्री इन फोर, ये अगर करता हूं तो जे फाइव विल बी इक्वल टू 48 बाय एक्स स्क्वायर जे टू माइनस जे वन माइनस 8 बाय एक्स जे टू माइनस अगेन ये पूरा 4 बाय एक्स जे टू माइनस जे वन। अब हम ये और अगर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 192 बाय एक्स क्यूब माइनस 12 बाय एक्स, और जे टू नेगेटिव आएगा यहाँ पर, नेगेटिव 48 जे वन, ये आपका आंसर हो गया। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ये दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, ऐसे ही बहुत क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन है, तो आप हो सके तो उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आगे भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, जितने मैं कवर करा सकता हूँ मैं कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।